हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज चलिए बनाते हैं मिर्जापुरी स्टाइल से बैंगन की आलू की कलौजी। हाँ दोस्तों, कलौजी ये इसको भरवा भी बोलते हैं और हम लोग के यहाँ तो इसको कलौजी ही बोला करते हैं। तो बहुत यम्मी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। जिस दिन कलौजी बनता है ना, फटाफट मन होता है खाना लग जाए, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मेरे ट्रिक से ऐसे बनाइए। आज हम पूरी रेसिपी किस किस तरीके से हम बनाते हैं, सारा मसाला तैयार करके दिखाएंगे सब कुछ। तो चलिए बनाते हैं कैसे बनता है। तो हमारे मिर्जापुर स्टाइल में आप बैंगन की कलौजी, कई लोगों का डिमांड था कि मैम आप बताइए कि कलौजी कैसे बनती है, तो हमने सोचा आपको शेयर करें। तो देखिए, पहले सबसे पहले तो हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मेथी 2 चम्मच, 1 चम्मच मंगरेल और सौंफ और राई है और जीरा है। तो 2-2 चम्मच हमको ये सब लेना है और जीरा को 1 ही चम्मच लेना है। तो इस सबको हम तवे पे भून लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे, वो भी हल्का दरदरा। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले से ही दरदरा पीस के, ठंडा करके दरदरा पीस के हमने रख लिया है। ये इसका पाउडर इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने कुछ ये बैगन ले लिए हैं और डंडी के सहित ये, तो इसको अलटने पलटने में थोड़ा ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है। तो कुछ बैगन ले लिए हैं, कुछ आलू ले लिए हैं। आलू छोटे वाले लीजिए, जिससे खूब अच्छे से ये पक जाए अंदर से, या तो 4 फाक में कर सकते हैं। वैसे हम लोग साबुत ही छोटे छोटे आलू बना लेते हैं, तो इसको इस तरीके से कट करेंगे। इस तरीके से देखिए, एक बार इधर कट किए, फिर इसको जस्ट अपोजिट कर दिए और इस तरीके से। तो हम इस तरीके से काटेंगे तो मसाला जो अंदर भरेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, हमारा अलग भी नहीं होगा। देखिए ये इस तरीके से, और फिर इसको पलट लेंगे तो इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें सब कट करके तैयार कर लेना है। ये ऐसे हो गया, और फिर इसको पलट के इस तरीके से देखिए। तो इस तरीके से हमको सब ऐसे तैयार कर लेना है, इसको भी बैगन को भी कट कर लेना है। तो देखिए, इसके मसाला बनाने के लिए हमने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ है तो ये 2 चम्मच पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में, तभी टेस्ट आएगा अच्छा सा। और मिर्च ले लिए हैं, तो ये सब हम मिला के, और इसमें थोड़ा पड़ेगा हींग। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर बनता है। कलौजी तो क्या महक आती है, चारों तरफ घर में गूंज जाता है कि कलौजी बन रहा है। तो इस तरीके से मेरे ट्रिक से बनाइए, बहुत ही टेस्टी आपसे भी बनने वाला है। तो चलिए आइए इसको भरते हैं। इसको इस मसाले में दोस्तों ये अमचूर पाउडर भी पड़ेगा। तो ये देखिए, 2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब देखिए, ये हींग भी हम डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाते हैं, मिला के फिर स्टफिंग करते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, और इधर से मसाला को अच्छी तरीके से भरते हैं। ये देखिए, मसाला खूब अच्छे से भरा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसको खाइए, अलग करिए फाक, तो बहुत ही मजा आ जाता है। इसी तरीके से हमने सब बैगन को, आलू को सब स्टफ कर लिया। बैगन को कट करके इसको देख लेना होता है कि कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने सब कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से खूब अच्छे से भर लीजिए। तो चलिए अब बनाते हैं। तो हमने कढ़ाई रख दिया है, और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। देखिए, अब हम ये स्टफिंग वाला आलू डालते हैं। तो इस तरीके से आलू बीच में पहले डाल देते हैं।
फिर उसके बाद ये बैगन भी डालते हैं साथ में, तब साथ में ही पक जाएगा। ये थोड़ा अलग हो गया आलू मेरा, तो आप भी संभाल के करिएगा। देखिए अब सारे हम बैगन और आलू को डाल दिए हैं तेल में, अब थोड़ी देर हम इसको धीमी आंच में पकाते हैं। देखिए अब सब आलू को हमें ऐसे पलट लेना है धीरे धीरे। देखिए अब पकना स्टार्ट हो गया है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा तभी आलू को अच्छा से पकेगा। और बैगन को भी इस तरीके से पलट लेते हैं। धीमी ही आंच पे इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कलौजी एकदम पक गया है। अब हम प्लेट में निकालने जा रहे हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमने कलौजी पका लिया है खूब अच्छे से, और पूरा अच्छे से गल भी गया है, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसका टेस्ट बहुत ही गजब लाजवाब आता है। तो आप जरूर मेरे ट्रिक से इस तरीके से बनाइए, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा और अच्छा लगेगा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।